हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन अराउंड द सेमी सर्कल. ओके, सो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? ऐसे आएगा, अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू प्रूव दैट दिस माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एंड दिस फंक्शन इक्वल टू पाई बाई ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जीरो. दिस इज द कंडीशन गिवन टू यू. या फिर डायरेक्टली भी आएगा, इवेल्युएट दिस, और ये प्रूव नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कंसीडर द इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इक्वल्स टू क्या लेंगे, दैट इज जेड स्क्वायर. कुछ नहीं करना है इसमें, जहां जहां एक्स है वहां वहां जब सब जगह जेड रिप्लेस कर दीजिए. जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, कंसिडर द इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इज दिस एंड सी इज द कंटूर, एंड सी इज द कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्कल. ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी एज इट इज. सी इज द कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्कल सी आर मोड जेड इक्वल टू आर एंड द रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस आर टू आर. राइट, ओके. तो इसको चाहो तो आप सेमी सर्कल को बना भी सकते हो, नहीं तो एक माइंड में सेट रखना कि जो भी रियल एक्सिस से ऊपर पोल्स आएगा हमारे वो सब इनसाइड होंगे. तो इसको चाहो तो आप बना भी लीजिए, माइनस आर टू आर बना लोगे तो उतना ही अच्छा आपके लिए. सो दिस इज सी आर सेमी सर्कल. राइट, ओके. अब क्या करेंगे, अब आप सिंपल सी बात है, फिर से आप क्या करेंगे, पोल्स निकाल लेंगे. देयरफॉर अब आपका पोल्स का काम है. देयरफॉर द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो पोल्स कैसे निकलते हैं, बाई इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू जीरो, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो दिस मीन्स जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई ए, ये आएगा, और इसको करेंगे तो प्लस माइनस आई बी आएगा. राइट, तो अगर आई ए है, पॉजिटिव आई ए है, तो इसका हो गया कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो ए, तो जीरो कोमा ए आपका कहीं ऊपर जाएगा. अब ए कितना है वो छोड़ दीजिए, तो ए और बी दोनों आपको ग्रेटर देन जीरो बोला गया ऊपर, तो जो भी ए है और बी है प्लस का है तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा मतलब वो कंटूर के अंदर है. और जो माइनस आई ए मतलब नीचे मतलब जीरो कोमा माइनस है, तो अगर ए मेरा यहाँ है, नेचुरल सी बात है मेरा माइनस है यहाँ होगा. सिमिलरली उन्होंने बोला बी जो है वो ए से छोटा है, तो बी कहीं यहाँ पर होगा और माइनस बी कहीं यहाँ होगा. ठीक है, तो ये दोनों मेरे इनसाइड हो गए और ये दोनों मेरे आउटसाइड हो गए. राइट, समझ में आ रही इतनी बात. सो यहां लिख देंगे हियर जेड इक्वल टू आई ए, जेड इक्वल टू आई ए एंड जेड इक्वल टू आई बी आर दी ओनली पोल्स विच लाइज इनसाइड दी, विच लाइज इनसाइड दी कंटूर सी बोल दीजिए. ठीक है, क्योंकि सी में क्या, दोनों चीजें, रियल एक्सिस टू रियल एक्स माइनस आर टू आर भी है और सेमी सर्कल भी है. राइट, तो अब यहां से आप रेसिड्यू निकाल लीजिए. देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू आई ए, तो कैसे निकलेगा, लिमिट जेड टेंस टू आई ए, सब सिंपल पोल्स हैं, सो जेड माइनस आई ए इंटू, तो आपका फंक्शन क्या है, दैट इज जेड स्क्वायर. तो इसके आप जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के दो फैक्टर लिख लीजिए, दैट इज जेड माइनस आई ए इंटू जेड प्लस आई ए. राइट, और आप इसको मत लिखिए फैक्टर में, इसको डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, ये आपका कैंसिल हो गया.
रख लीजिए z टेंस टू आई ए, सो आई ए जब आप रखेंगे तो दिस इज आई स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। नीचे रख लीजिए आई ए प्लस आई ए, राइट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब आप यहाँ रखेंगे z में, सो दिस इज आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस विल गिव यू आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई ए, आई ए दैट इज टू आई ए, दिस इज आई स्क्वायर माइनस वन, सो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और ऊपर से ब्रेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज टू आई ए, और ये लिख देंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू निकाल लेंगे, एंड रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू आई बी, तो आई बी पे निकालेंगे लिमिट जेड टेंस टू आई बी, सो जेड माइनस आई बी इंटू जेड स्क्वायर ओवर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर नहीं करेंगे, देखिए थोड़ा सा ऊपर, अब इसके नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा हमारा, ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे, तो z माइनस आई बी इंटू जेड प्लस आई बी, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, अब आप रख दीजिए आई बी, तो आई बी तो ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, ये हो जाएगा आपका कितना आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर सॉरी बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस आई बी राइट, तो आई स्क्वायर हो गया दिस इज माइनस माइनस ऑफ बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आई बी प्लस आई बी दैट इज टू आई बी, ठीक है। तो ये भी इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख लीजिए, अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसमें से माइनस साइन लेना, इसमें से मत लीजिएगा, तो इसको लिख लेंगे माइनस बी स्क्वायर ओवर टू आई बी, ओके, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का रेसिड्यू आ गया, अब आप अपनी रेसिड्यू थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। सो अब आप बाय रेसिड्यू थ्योरम लिख लीजिए, बाय रेसिड्यू थ्योरम क्या जाएगा आपका, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड एंड दैट इज नथिंग बट टू पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू आई ए प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू आई बी, राइट। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, जैसा हमने बताया था सी आर एफ जेड डी जेड प्लस और क्या आपका रियल एक्सिस माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स, राइट। सो दिस इज टू पाई आई इंटू तो जेड इक्वल टू आई ए पर कितना आया था आपका, सो ये आया था आपका ए स्क्वायर ओवर टू आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, और इसका कितना आया था आपका, दिस इज माइनस बी स्क्वायर ओवर टू आई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो बेहतर होगा आपका टू आई सारा कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, ये टू आई दोनों से कैंसिल, तो यहाँ तो बचा पाई, राइट, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप इसको चाहे तो बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने बाहर लिया कॉमन, ठीक है, और यहाँ से एक ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर से एक ए कैंसिल हो गया, तो ये बचा ए, ये पूरा टू आई कैंसिल हुआ, ठीक है, ये टू आई कैंसिल हुआ पूरा, यहाँ से पाई बचा, ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस ए से ये एक ए कैंसिल हो गया माइनस, इस बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये बचा इतना, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू पाई बाई ए प्लस बी। तो क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू आपको निकालनी है इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ टेकिंग आर टेंस टू इन्फिनिटी, राइट,
तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हेन आर टेंस टू इन्फिनिटी दिस इम्प्लाइज मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, ये मिल गया। जब ये मिल गया तो आपका फंक्शन जो था, अब मैं ये आपको यहाँ रफ पहले मैं लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज सी आर एफ जेड डी जेड दिस इज ज़ीरो, राइट, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई ए प्लस बी, राइट। तो मैं इसका रीज़न आपको नीचे दूंगा, अभी आप इसको फिलहाल लिख लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई ए प्लस बी, ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये तो प्रूव हो गया आपको, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में कि रीज़न मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे आया, तो रीज़न क्या है इसका, ये रीज़न है, ये आपका रफ काम है, ठीक है। अगर चाहो तो आप बता भी सकते हो कि ज़ीरो कैसे हुआ है। जब आपका मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब जो आपका फंक्शन था क्या, जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे इस पर मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ये बेसिकली लिमिट मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से भी जेड स्क्वायर कॉमन लिया, जेड पावर फोर हो गया, इसे क्या लिखा जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, इसे क्या लिखा जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, राइट। तो अब ये जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो नीचे बचेगा जेड स्क्वायर, तो ये वन अपॉन कितना बच गया, दैट इज जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर और वन प्लस बी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, जब लिमिट अप्लाई करेंगे मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, ये वन बाई इन्फिनिटी जीरो, यहाँ से वन मिलेगा, यहाँ से वन मिलेगा, और ये वन बाई इन्फिनिटी है, तो ये पूरा मिल गया आपको कितना, जीरो। इसका मतलब जब मोड जेड है और मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो, और जब फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल गई, इसका मतलब ये आपका जीरो हो गया इंटीग्रल की वैल्यू, समझ में आया। तो ये इतना छोटा सा इसका क्या था, ये इसका रीज़न था कि कैसे ज़ीरो हुआ। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा कि ये ज़ीरो कैसे आता, आप हर फंक्शन को लेकर ऐसे ही करना है कि आपको जेड स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ऊपर से कैंसिल करके लिमिट अप्लाई कर देने, तो ज़ीरो आ जाएगा। सो दिस वाज द रीज़न, ओके। सो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।